हमारे देश का लोकतंत्र इतना मजबूत है, लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि जम्मू कश्मीर में दशकों से हजारों लाखों की संख्या में ऐसे भाई बहन रहते हैं जिन्हें लोकसभा के चुनाव में, उसमें तो वोट डालने का अधिकार था, लेकिन वो विधानसभा और वहां की पंचायत या वहां की नगरपालिका या वहां की नगर महानगरपालिका न वो चुनाव में मतदान कर सकते थे न चुनाव लड़ सकते थे। ये वो लोग हैं जो 1947 में बंटवारे के बाद पाकिस्तान से भारत आए थे। हिंदुस्तान के अन्य राज्यों में उनको समाधिकार है, अकेले जम्मू कश्मीर में नहीं है। क्या इन लोगों के साथ अन्याय ऐसे ही चलता रहता? साथियों।